हेलो दोस्तों, आज फिर आपको सुनील मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज फिर आपके सामने मैं इंसुलेशन का टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें इसमें वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आपको बताते हैं। क्वेश्चन बताने से पहले आपको इसके कुछ फॉर्मूले जो हैं उसके बताते हैं, और उसको बताने से पहले एक चीज़ और बताते हैं कि आप मेरे वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएँ। आइए आपको मेंसुरेशन में वर्ग पर आधारित प्रश्न को कुछ फॉर्मूले को हम आपको बताते हैं। दोस्तों, आज एक और बात बोलना चाहते हैं, आज बसंत पंचमी है, इसलिए आज के बसंत पंचमी सरस्वती पूजा का सभी का शुभकामनाएं और हैप्पी सरस्वती पूजा। चलिए आज का टॉपिक लेकर चलते हैं। आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्षेत्रमिति में आपको आज हम बताते हैं वर्ग का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए वर्ग किसको कहते हैं, वर्ग इस टाइप का एक चतुर्भुजाकार है ना, एक डायग्राम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, चार सरल रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को वर्ग कहते हैं, ठीक है, जिसमें इसकी हर एक भुजा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर ए बी सी डी है ना, ए बी अगर ए है तो बी सी भी ए होगा, और बी सी ए है तो सी डी भी ए होगा, और सी डी ए है तो ए डी भी ए होगा। मतलब सभी के भुजा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना, वर्ग। ठीक, अब इसमें क्या आता है, वर्ग में दो विकर्ण होते हैं, एक ए विकर्ण होते हैं, ए विकर्ण होते हैं और एक ए विकर्ण होते हैं, ठीक है, इसके दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते देखिए इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, वर्ग की परिमाप पहले निकालते हैं। परिमाप क्या होता है आपको पता है, इसके पहले बताए थे कि ये चारों भुजाओं का प्लस को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, तो प्लस करते हैं, देखिए चार भुजा है तो हम सीधे प्लस करने से पहले क्या कहते हैं, चार भुजा है चार कर देंगे, और भुजा जिसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो फोर गुना भुजा वर्ग की परिमाप का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, दूसरा चलते हैं, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है भुजा गुने रूट टू। ठीक, उसके बाद क्या बताते हैं, ये होगा आपका वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला। उसके बाद हो गया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, मतलब ए स्क्वायर। ठीक, ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। और वर्ग का एक और क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल एक और फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर बटा टू। ये आपका अगर विकर्ण दिया हुआ है तो आप क्षेत्रफल वर्ग का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको इसका प्रश्न जो दिया है, इस पर जो हम सोल्यूशन करना है, इस फॉर्मूले के अनुसार जो प्रश्न को हमको सोल्यूशन करना है, उस प्रश्न की तरफ चलते हैं और उसको हम आज सोल्व करते हैं। कैसे उसको सोल्व करते हैं, आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन तरफ। देखिए दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, बसंत पंचमी है, और सभी दोस्तों से हम ये प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी अच्छे से सरस्वती पूजा को मनाएं, और कामना करें कि हम अच्छे रास्ते पकड़े। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ग की भुजा 3√2 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई होगी, उसकी लंबाई क्या होगा, अगर भुजा दिया हो इतना तो विकर्ण की लंबाई क्या होगा। अगर विकर्ण के फॉर्मूला बताए थे आपको, फॉर्मूला कि वर्ग की विकर्ण का फॉर्मूला क्या था, वर्ग की विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, भुजा गुने रूट टू, ये बताए थे आपको, क्योंकि जब हम आपको फॉर्मूला बता रहे थे उसमें बताए थे।
इसका क्या होता है, देखिए भुजा हमारा, भुजा कितना दिया हुआ, 3√2 दिया हुआ, और रूट टू गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 × 2 = 6, 6 क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हमारा इसका विकर्ण की लंबाई निकल जाएगा, जो कि वर्ग का विकर्ण इस टाइप का होता है, इसकी लंबाई निकल जाएगा, ठीक है, जो हमारा 6 में डी नंबर में दिया हुआ है। दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफलों के का अंतर है, तो निम्न से कौन सा, देखिए क्या करते हैं, देखिए वर्ग का परिमाप दिया हुआ कितना, 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, दो वर्ग है, और तीसरे वर्ग का परिमाप जो है वो क्या कह रहा है, क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है ना, अंतर निम्न, तो कौन सा इसमें होगा, देखते हैं, पहला सॉल्यूशन करते हैं, पहला का निकालते हैं, पहला वर्ग का भुजा निकालते हैं, तो भुजा क्या होता है, परिमाप, अगर परिमाप फॉर्मूला का तो 4 गुना भुजा होता है, तो हम भुजा निकालें तो कहते हैं परिमाप में 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आया, 10 सेंटीमीटर, पहला आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। दूसरे वर्ग का निकालते हैं, वर्ग का भुजा निकालेंगे, उसका ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या 4 गुना भुजा होता है, तो अगर भुजा हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, परिमाप बटा 4 हो जाएगा, यानी 32 बटा 4 हो जाएगा, तो 8 × 4 = 32, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर आया, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये दो वर्ग आ गए दोनों का, अब दोनों का अंतर क्या होगा क्षेत्रफल का, दोनों के क्षेत्रफलों का अंतर निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर भुजा स्क्वायर माइनस इसको भी हो जाएगा 8 का स्क्वायर, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 100 = 36 हमारा क्या आ गया, दोनों का अंतर आ गया। आप कह कब तीसरे वर्ग का परिमाप उसका क्षेत्रफल जो है जो ए आया, तो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो देखिए तो भुजा बराबर क्या होता है, तीसरे वर्ग का भुजा निकालेंगे तो क्या होता है, भुजा का आपको फॉर्मूला बताए थे क्या होता है निकालेंगे, तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा निकालेंगे तो क्षेत्रफल के ऊपर रूट हो जाएगा, ये होता है। अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया भुजा स्क्वायर होता है, अगर भुजा निकालेंगे तो एरिया के ऊपर रूट हो जाएगा, ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिख रहे हैं डायरेक्ट 36, तो भुजा कितना 6 × 6 = 36 हमारा तीसरे वर्ग क्या हो गया, भुजा हो गया, ठीक है। अब इसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप क्या होता, तो तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा, भुजा हमारा कितना निकला, 4 गुना भुजा 6 आया, 6 × 6 = 24 सेंटीमीटर तीसरे वर्ग का भुजा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है तो उसके परिमापों का अनुपात है, इसका परिमापों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, वो वर्ग का क्षेत्रफल = होता है भुजा स्क्वायर, तो वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया, 1:4 दिया हुआ, ठीक है, ठीक, तो अगर भुजा यहाँ पर दो वर्ग का क्षेत्रफल दिया तो इसका भी दो भुजा होगा, मतलब कि मान लेते हैं भुजा स्क्वायर को एक्स मान लेते हैं और एक वाई मान लेते हैं, ठीक है, तो एक भुजा स्क्वायर ए, ठीक है,
आप क्या करते हैं, देखिए इसको हम भुजा स्क्वायर है तो हम इसका एक भुजा निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर इजकल टू वन बटा फोर, तो एक्स इजकल टू वाई इजकल टू क्या दोनों पर रूट हो जाएगा, तो रूट होगा तो क्या दो का चार का वर्गमूल दो हो जाएगा, तो वन बटा टू, ठीक है इतना आया। आप क्या करते, इतना तो दोनों का वर्गमूल का वो भुजा आ गया, दोनों वर्ग का जो भुजा ये दोनों निकल गया, ठीक है। तो अब परिमाप निकालते हैं, परिमाप का अनुपात क्या हो, परिमाप का अनुपात, परिमाप का अनुपात, अनुपात क्या हुआ, फोर गुने भुजा, फोर गुने एक्स बटा फोर गुने वाई। अब एक्स और वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, एक्स का कितना वन था, फोर गुने वन बटा वाई का दो था, फोर गुने टू, फोर से फोर कट गया, मतलब एक अनुपात दो, ये आपका ही परिमाप का आंसर आ गया, एक अनुपात दो, सी नंबर ऑप्शन। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन चलता है, दो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पांच वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है, उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर है, बराबर है तो कौन होगा, ठीक है। तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं, इतना जो दिया हुआ कुछ नहीं है, बस ये क्या है वर्ग, पाँच वर्ग का परिमाप है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या था, फोर गुने भुजा, तो अगर इसमें से हम सभी का भुजा निकालेंगे तो सभी में फोर से डिवाइड कर देंगे, तो सीधे लिख दीजिए पाँच वर्गों का भुजा निकालना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो चौबीस बटा फोर बताया था आपको, ये कहता हूँ बत्तीस बटा फोर, ठीक है, चालीस बटा फोर और छिहत्तर बटा फोर और अस्सी बटा फोर, इस सबको फोर से हम डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, चार छक चौबीस, आठ चौक बत्तीस, दस चौक चालीस, उन्नीस चौक छिहत्तर और अब बीस चौक अस्सी, इतना सभी का भुजा निकल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर क्या कर रहा, जिसका क्षेत्रफल जो है, जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, हम इस सभी का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो फिर क्या करते हैं, पांचों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, छः का भुजा स्क्वायर होता है, छः का स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या होगा, आठ का स्क्वायर हो गया, दस का स्क्वायर हो गया, उन्नीस का स्क्वायर हो गया और बीस का स्क्वायर हो गया, काहे कि क्षेत्रफल के योग के बराबर बोलता है, क्षेत्रफल सभी के योग करेंगे, क्षेत्रफल निकाल के छः छः छत्तीस, आठ आठ चौंसठ, दस दहा के सौ, उन्नीस का वर्गमूल, उन्नीस का स्क्वायर होता है तीन सौ इकसठ और बीस का होता है चार सौ, ठीक है। ये सभी को हम जोड़ेंगे, ठीक है, ये सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कहते हैं नौ सौ इकसठ, नौ सौ इकसठ हमारा टोटल आएगा, ठीक है। आप कहते हैं ये तो नौ सौ इकसठ क्षेत्रफल आया है ना, तो अब इसका हम भुजा निकालते हैं, तो भुजा निकालेंगे तो क्या होगा, तो भुजा स्क्वायर क्या होता है, इसका जैसे क्षेत्रफल का रूट हो जाएगा, फॉर्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा निकालेंगे तो इस पर रूट हो जाएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो इकतीस आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा नया जो बना, नया जो वर्ग जो था उसका भुजा कितना आया, इकतीस आया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप पूछ रहा है, देखिए वर्ग का परिमाप नए का, तो वर्ग का परिमाप, ठीक है, तो फोर गुने भुजा मैंने इकतीस, चार चार क्या ही बारह, चार सौ एक सौ चौबीस सेंटीमीटर हमारा क्या आया, नए वर्ग के परिमाप निकला एक सौ चौबीस, मैंने सी नंबर हमारा ऑप्शन है। दोस्तों चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा वायुमंडल दस मीटर है तो चार मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समा सकते हैं। देखिए तो हम क्या करेंगे, ये छोटे वर्ग की भुजा इतना दिया हुआ तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे,
तो छोटे वर्ग की क्षेत्रफल क्या होगा, तो भुजा स्क्वायर मतलब 1/10 का स्क्वायर इजकल टू 1/100। अब उसी पर क्या होता है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, क्या होगा, 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि तो ऐसे कितने छोटे वर्ग बनेंगे, मतलब इस टाइप का वर्ग जो है इसमें कितने बनेंगे, तो सीधे क्या कीजिए, छोटे वर्ग की संख्या क्या हो जाएगा, छोटे वर्ग की संख्या बराबर क्या होगा, 16/1/100। क्या है कि 16 में बड़े वर्ग में छोटे वर्ग से डिवाइड करते हैं तो पता चलेगा कितनी वर्ग उसमें बन सकते हैं, तो 16/100 नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, अब नीचे एक रह जाएगा, तो कितना हो गया, 1600 वर्ग ये बड़े वाले वृत्त में समा सकते हैं, जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात 225/256 है तो उसके परिमापों का अनुपात होगा, क्या होगा परिमापों का, तो दो वर्ग का क्षेत्रफल है तो हम क्या करते हैं, लेट एक वर्ग को हम एक से वर्ग की भुजा मान लेते हैं, वर्ग की भुजा मानते हैं, क्या एक एक्स मान लेते हैं, एक वाई मान लेते हैं, तो इसकी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x²/y² हो जाएगा। अब इसका अनुपात कितना दिया होगा, 225/256, अगर यही x/y वर्ग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 225 के वर्ग में 15 हो जाता और 256 के वर्ग में 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस परिमापों का अनुपात पूछ रहा, तो परिमापों का अनुपात क्या होता है, भुजा हमारा x है तो परिमाप का अनुपात क्या, 4 × भुजा 4x और 4y, ठीक है, तो यहाँ रखते हैं 4 × 15/4 × 16, 4 से 4 कट गया तो 15/16 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसके परिमापों का अनुपात होगा, जो कि हमारा सी नंबर ऑप्शन है। दोस्तों आज का मेंसुरेशन में वर्ग का टॉपिक आज खत्म हो जाती है, अगले बार फिर मिलेंगे मेंसुरेशन से ही अगले टॉपिक में, इसके लिए धन्यवाद, और सरस्वती पूजा के लिए भी मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं सभी को, अगले टॉपिक मिलेंगे, बाय, गुड नाइट।